क्या विराट कोहली के सामने टीम्स को मिल गया है गेम प्लान? क्या एबी डिविलियर्स की ऑफर को मना करना चाहिए था टीम मैनेजमेंट को? और क्या शिखर धवन की है कोई समस्या? इट्स टाइम फॉर योर सवाल माय जवाब। रूटर प्रेजेंट्स द नॉकआउट शो विद आप की वानी और बड़े हमारे सवाल क्या है इनको अगर हम पांच टॉपिक्स में रखें तो पहला है शिखर धवन की फॉर्म या उनकी टेक्निक, दूसरा है क्या एबी डिविलियर्स का जो ऑफर था वो मना करना सही था, तीसरा है क्या विराट कोहली के खिलाफ गेम प्लान लोगों को मिल चुका है, और चौथा है कि मिडिल ऑर्डर में क्या आप राहुल धोनी के आने से अब आप संतुष्ट हैं, और पांचवा सवाल ये है कि क्या कुलदीप की जगह जाडेजा को खिलाया जा सकता है। क्लियर है हमारे पांच सवाल, लेट्स स्टार्ट विद शिखर धवन। सी शिखर धवन के बारे में सवाल पूछा है रवि ने कि क्या भारतीय टीम को कुछ नई गेंद से बेहतर खेलने की कोशिश करनी चाहिए, डू दे नीड टू इम्प्रूव, दैट्स अ प्रिसाइज क्वेश्चन। राहुल का भी वैसे ही कुछ सवाल है कि करंट इश्यूज क्या है धवन के। देखिए रोहित शर्मा शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन वो डटे रहे, जमे रहे, उन्होंने तो शतक जड़ दिया, तो वो एक छोर तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको सुकून देगा। लेकिन शिखर धवन की समस्या क्या रहती है, ये टिपिकल सब कॉन्टिनेंटल समस्या है कि आप बॉल के हमेशा साइड में रहते हैं, बॉल के पीछे नहीं जाते, तो बैक एंड अक्रॉस अगर आप ऑफ स्टंप की तरफ जाएं तो फिर आप गेंद को अपने शरीर के सामने रख के खेलते हैं कुछ इस प्रकार से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसी लाइन में वापस जाएं या अपना आपका पीछा वाला पैर चले ही ना तो फिर आप बॉल के साइड में रह जाते हैं, वहां पे बाहरी किनारा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंगल अक्रॉस वाली गेंदें आपको तंग करती हैं, उनका आगे वाला पांव भी बहुत लंबा नहीं निकल रहा है, तो ये एक छोटी समस्या तो शिखर धवन के साथ है। अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इतनी आसानी से वो अभी समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है, सुलझेगी नहीं, क्योंकि सामने होंगे मिचेल स्टार्क, सामने होंगे पैट कमिंस, और ये दोनों ऐसे गेंदबाज हैं जो इन कमियों को थोड़ा सा और उजागर कर सकते हैं। वैसे फिंगर्स क्रॉस्ड कि शिखर रन बनाए, लेकिन काम इस बार उतना आसान होने वाला है नहीं, एटलीस्ट जो सेकंड मैच है उसमें इतना आसान नहीं होगा। जो दूसरा सवाल है वो है एबी डिविलियर्स को लेकर, और ये सवाल तो खैर बहुत लोगों ने पूछा है, एकांश ये रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या सही डिसीजन लिया है। ये सवाल मनीष जी ने भी पूछा है कि अगर वेस्टइंडीज डीजे ब्रावो को रिजर्व प्लेयर रख सकती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान लोगों को वापस बुला सकती है, तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने ऐसा मना क्यों किया? और स्पर्श तैलंग का भी यही एक सवाल है कि साउथ अफ्रीका हैज रिजेक्टेड एबी डिविलियर्स ऑफर। पहले तो एबी डिविलियर्स की ऑफर क्या थी, अब जो खबरें आई हैं वो ये कि 24 घंटे पहले जब टीम सिलेक्शन होना था तो एबी डिविलियर्स ने अब कप्तान पैप को और चेयरमैन सेलेक्टर्स को फोन करके बताया कि मैं उपलब्ध हूँ, मैं रिटायरमेंट वापस ले लूंगा और मैं विश्व कप के लिए आपके लिए खेल सकता हूं। अब क्या ये सही है या गलत है? देखिए अगर आप इमोशनल होकर सोचें, इस बैकड्रॉप में सोचें कि साउथ अफ्रीका अपने पहले तीन में से तीन मुकाबले हार गया है, तो आपको लगेगा यार बिल्कुल बेवकूफी है यार, कैसे एबी डिविलियर्स अवेलेबल है, आप नहीं खिलाओगे। लेकिन थोड़ा सा और टाइम दें, गहराई से सोचें, मान लीजिए तीन में से तीन मुकाबले जीते होते तो फिर क्या इस बात की चर्चा भी होती? क्योंकि एक साल से आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नहीं है, जब आपने रिटायरमेंट ली तो आपने कहा कि आई गॉट नो फ्यूल लेफ्ट इन माय टैंक, और एक टीम का एक डिसिप्लिन था, उन्होंने नियम बनाया था कि आप लगातार खेलते हैं, आप डोमेस्टिक खेलें इंटरनेशनल खेलें, एक साल से बाकी लोग तो खेल रहे थे ना और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे, तो अब अगर एबी डिविलियर्स को सडनली आप खिला देते, सिलेक्ट कर लेते, तो फिर टीम के मोराल के बारे में सोचिए, बाकी लोगों के थोड़े से ख्यालों के बारे में सोचिए, जिस खिलाड़ी ने रन बना के यहाँ तक अपना एक दावा पेश किया उसके बारे में सोचिए। मेरे विचार में तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका कप्तान फैफ डुप्लेसी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, एबी डिविलियर्स अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे थे तो सडनली कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट फॉर द वर्ल्ड कप वो बाकी खिलाड़ियों के लिए होता बहुत ज्यादा अनफेयर। आपका क्या मानना है, आपको लगता कुछ अलग है तो कमेंट सेक्शन में भर दो यार, यू मे थिंक एल्स और रादर अदरवाइज दैट्स अ पॉसिबिलिटी। और तीसरा जो बड़ा सवाल था वो है विराट कोहली द बैट्समैन। अब पहले गोयल ने उनको आउट किया, भाई आउट सब होते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन मैं जरा सवाल देख लूं किसका सवाल, हाँ आर्यन का है, आर्यन बहुत सवाल पूछते हैं, वेल डन, थैंक यू ब्रदर, कि टीम्स आर कमिंग अप विद सक्सेसफुल गेम प्लान्स, और हयात का भी यही है कि विराट को क्या करना चाहिए डिसमिसल जोन से अलग होने के लिए। मेरे विचार में ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था, जब ऑस्ट्रेलिया भारत आया था तो आउटसाइड ऑफ स्टंप लाइन हल्का सा बाउंस, एक गली पे फील्डर, एक स्लिप पे फील्डर, थर्ड मैन पे, इस प्रकार से उन्होंने लगातार बाहर करनी गेंदबाजी शुरू की थी, और फिर वहां से सभी आईपीएल टीम ने करना शुरू किया, और अब हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने भी यही किया है, और मेरे विचार में पूरे विश्व कप में ये होने वाला है। सबने एक बात मान ली है, ये थोड़ा सा सरेंडर कर दिया है कि विराट आएंगे, विराट पिटाई करेंगे, बहुत रन बनाएंगे, वो इस साल भी बनाएंगे, इस विश्व कप में भी बनाएंगे, लेकिन अगर पिटाई खानी है तो एटलीस्ट एक तरफ खाओ या दोनों तरफ मत खाओ,
उनके पैड में बॉल नहीं लगती है, वो लेग बिफोर नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं पांचवी छठी सातवीं स्टंप पे बॉलिंग की जाए, गली पे फील्डर रखा जाए, वो जो बल्ला खोल के एक सिंगल निकालते हैं उस रन को रोका जाए, एक आधी स्लिप लगाई जाए और आउट करने का किया जाए प्रयास। तो लगातार यही मुझे लगता है सब टीम्स ये करने वाली है। कोहली के सामने सभी टीम्स इस रणनीति के साथ शुरू में उतरेंगी। अब कोहली को क्या करना है भाई, मैं थोड़ी ना बताऊंगा कोहली को क्या करना है, कोहली को सब कुछ पता है और इस ये जो गेम प्लान है ना इसका भी निजात वो पालेंगे, इससे भी वो बाहर निकल कर आ जाएंगे। थोड़ी देर पेशेंस के साथ खेलेंगे, अपने आप को समय देंगे और जब अपने आप को समय देंगे तो फिर समय बड़ी तेजी से बदलेगा। मुझे कोई डाउट नहीं है कि विराट कोहली ये बहुत अच्छा करेंगे इस साल विश्व कप में। मैंने वैसे 3 सेंचुरीज का की वो कयास लगा के रखी है, मुझे लगता है विराट 3 सेंचुरीज लगाएंगे, 750 से ऊपर लगाएंगे, रन बनाएंगे तो उसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हो जाए, फिर तो मजा ही आ जाए भाई। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। मिडल ऑर्डर का एक सवाल था कि भाई मिडल ऑर्डर में अब राहुल है और धोनी है तो क्या अब हम संतुष्ट हैं, क्या राहुल अच्छी तरह से खेल पा रहे हैं, ये सवाल किसने पूछे, लेट्स गो देयर। कनिष्क जोहरी ये भी काफी सवाल पूछते हैं, आकाश उपाध्याय जी का ये भी सवाल है, इनका सवाल है राहुल या शंकर में से बेहतर कौन है, और काफी और सवाल भी आए थे कि क्या आप थोड़ा बदलाव के रूप में देखेंगे, क्या आप कहीं बदलाव करना चाहेंगे इस टीम के अंदर, राहुल इज ही टेकिंग टू मच प्रेशर, वो तो ओपनर के रूप में सेलेक्ट हुए थे। मेरे विचार में ये अच्छा लग रहे हैं मुझे, वो उन्होंने जो शतक जड़ा था वार्म अप मैच में, सामने बांग्लादेश था, कार्डिफ का मैदान, वहां बॉल मूव करता है, और दूसरे मैच में भी आश्वस्त लगे मुझे, आउट थोड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था लेकिन आश्वस्त लगे। इनके पास तकनीक अच्छी है, देखिए जिस तरह की पिचेस मिल रही हैं, सामने ऑस्ट्रेलिया अगला मुकाबला होगा तो थोड़ा मूवमेंट होगा, वहां शुरू में विकेट आप गंवा सकते हैं, तो फिर मेरे विचार में तो कमाल लाजवाब, राहुल को नंबर 4 पे रखिए और बाकी किसी भी चीज के बारे में अभी मत सोचो, क्योंकि अगर हम नंबर 4 की समस्या को नहीं सुलझा पाए हैं उसकी एक बड़ी वजह ये भी रही है कि हमने बदलाव बड़ी जल्दी जल्दी किए, हर तीसरे मैच के बाद अगर बदल दोगे तो फिर आप किसी के साथ भी न्याय नहीं करते, जो आने वाला है उसको डर लगा रहता है कि मेरे को सिर्फ 3 पारियां मिलेंगी, और जिसको आपने बाहर कर दिया वो कहता है 2-3 बारी तो आउट हुआ था यार, इतनी बार तो ओपनर भी आउट होते हैं ना, उनको तो नहीं बदलते तो मुझे क्यों बदला। तो मैं कहूंगा थोड़ा आश्वस्त रहिए, राहुल के साथ जुड़े रहिए, और धोनी ने तो अच्छी बैटिंग की है, केदार बैटिंग कर जाते तो मेरा वैसे थोड़ा और दिल खुश हो जाता, क्योंकि बड़े समय के बाद खेल रहे थे, बट देन मे बी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मे बी नॉट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसके भी अगले गेम खेल में उनकी बारी आए, वी शैल फाइंड आउट। लेकिन मिडल ऑर्डर जो है वो मुझे बहुत बड़ी समस्या भी लग रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और जो सवाल था वो था स्पिनर्स को लेके, कुलदीप और चाहल और जडेजा, कुलदीप ने तो खैर चाहल ने तो बहुत ही बढ़िया किया, सवाल था साहिल का विल आर स्पिनर्स बी एज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। दूसरा बनित ने पूछा कि क्या जड्डू को खिलाना चाहिए कुलदीप की जगह। अब सी बहुत बढ़िया किया चाहल ने तो वहां अब कोई वो गुफ्तगु हो नहीं रही, किसी बारे में चर्चा हो नहीं रही, लेकिन कुलदीप के रोल को आप नजरअंदाज मत कीजिए, वो अच्छा डाली है उन्होंने गेंद, वो जब चाहल और कुलदीप साथ में खेलते हैं तो बेहतर करते हैं, और 2 रिस्पिनर्स आपको चाहिए। अगर आपने शुरू में विकेट चटका दी वो पहले दूसरे को जो नई गेंद से 2 विकेट वो सही है, लेकिन मैच अगर जीतना है तो वो इंजन रूम जो है वो 15 से लेकर 40 ओवर के बीच में आप क्या करते हैं, कितनी विकेट चटकाते हैं, वो एक महत्वपूर्ण काम। तो मैं तो कुलदीप को खिलाऊंगा, मैं कुलदीप को उनकी बॉलिंग के लिए खिलाऊंगा, और जड्डू को जिस दिन खिलाना चाहूंगा तो भी उनकी बॉलिंग के लिए खिलाना चाहूंगा। बड़ा सवाल था कि भाई वो तो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो क्यों नहीं जड्डू को खिला लें, वो फील्डर भी बहुत कमाल के हैं, सो व्हाई नॉट गो विद जड्डू इंस्टेड ऑफ कुलदीप। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैं खिलाऊंगा दोनों स्पिनर्स, और वो जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाला जो जवाब भी था या सवाल था, मुझे लगता है दोनों के खिलाफ अच्छा करेंगे, सो आई विल स्टिक विद देम। अब आपको क्या करना है, सी रूटर जबरदस्त ये ऐप है, मुझे बहुत पसंद है। अब तो मैं आता हूँ, देखिए आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, आप लाइव कमेंट्री कर सकते हैं, ऑडियो में कर सकते हैं, वीडियो में कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा और फिर हम थोड़ी गुफ्तगु भी कर सकते हैं। आप अपने आप स्पोर्ट्स को लाइक कीजिए, जिसको आप फॉलो करते हैं आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, आपको बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आपको मिल सकते हैं, तो फिर बिकम अ रूटर यार, लेट्स रूट फॉर टीम इंडिया, और डाउनलोड फटाफट से कर लेना ऐप, क्योंकि इस पूरे विश्व कप में मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूँ, तो फिर मजा तो खूब ही आने वाला है ना। और रूटर ऐप का जो लिंक है ना वो ये डिस्क्रिप्शन में भी है और वो कमेंट में भी है, तो फटाफट से डाउनलोड करो और फिर मिलते हैं यार 9 तारीख को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दिन।